हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं पोहा, और देख सकते हैं पोहा, इसको हम अच्छे से धो लेंगे, ऐसे रगड़ रगड़ के फ्रेंड धो लेंगे, तीन चार बार धो लेंगे जब तक कि साफ पानी ना आ जाए हमारे पोहा में। पोहा हमारा धुल चुका है, अब इसको फूलने दें, और तब तक हम बाकी के काम कर लेते हैं। इधर मैंने प्याज कट कर लिए, हरी मिर्च कट कर लिए, और टमाटो भी काट लिए हैं, और उसके साथ ही कड़ी पत्ता भी ऐड कर लिया। ये हमारी कड़ी पत्ता, और इसको हम तड़का मार लें। पैन हमारा गरम हो रहा है इधर, तब तक हम वेट करते हैं। तेल हमारी गर्म हो चुकी है, अभी इसी में हम जीरा डाल देंगे, या तो सरसों के दाने, पर मेरे यहाँ जीरा पसंद करते हैं तो मैं सरसों नहीं डालती हूँ। जीरा फ्राई होते ही हम कड़ी पत्ता डाल देंगे, और इसी में हम प्याज डाल देंगे। तो मेरे यहाँ ये तक भून लेंगे प्याज का फ्रेंड, और हरी मिर्ची डाल देंगे। देखो फ्रेंड, प्याज भून गई है, और एक अच्छी सी खुशबू आ रही है कड़ी पत्ते की, बहुत अच्छी लग रही है। इसी में हम टमाटर डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे हम, ताकि टमाटर पिघल जाए। इसी में हल्दी डाल देंगे, आप डाल सकते हो, नहीं भी डाल सकते, पर हल्दी देने से क्या होगा, कलर अच्छा होता है, दिखने में भी अच्छी लगती है। तो मसाले अच्छे से भून चुके हैं, और इसमें हम पोहा ऐड करेंगे। पोहा हमारा अच्छे से फूल चुकी है, देखो फ्रेंड, एकदम अलग अलग हो गए सारे पोहे। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। पोहा हमारा रेडी है, अब इसको अच्छे से सर्व करेंगे। और ये रहा हमारा पोहा, और इसमें हम अनार डाल देंगे, ताजे फ्रेश प्रोमेगानेट के दाने। और इस प्रकार खाने से ना फ्रेंड, पोहा बहुत ही अच्छी लगती है, और सिंपल पोहे में भी आप ट्विस्ट कर सकते हो। मैं अक्सर ऐसे ही बनाती हूँ। तो कैसा लगा फ्रेंड आप सभी को मेरा ये पोहा रेसिपी? उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।